गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सर्वे का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं, यानी कि कंपास सर्वे के बारे में बात करेंगे। कंपास सर्वे का ये आपका पार्ट 6 रहेगा और 24th नंबर का लेक्चर रहेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 24th, कंपास सर्वे पार्ट 6। ठीक है, अभी तक 5 पार्ट हमने डील कर रखे हैं और ये पार्ट नंबर 6 होगा, मतलब कंपास सर्वे का ये 6 नंबर का लेक्चर है। और उसके पहले मैंने आपको 23 लेक्चर्स के बारे में बात की है, ठीक है, जिसमें से 18 लेक्चर आपके थे लीनियर मेजरमेंट तक। उसके बाद में जो आपके 5 लेक्चर जो बन चुके रिमेनिंग है वो कंपास सर्वे पे थे, आज ये 6th लेक्चर है। इसके बाद हो सकता है 1-2 लेक्चर और आपके कंपास सर्वे पे बन जाए, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने डील किया था कि आपका जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, व्हाट इज़ दिस, इसके बारे में बताया था। आज जो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब आपको फार्मूला क्लियर हो गया था, व्हाट इज़ द ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था, ये बात तो हमको अच्छे से क्लियर थी। अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका ईस्ट वार्ड होता है तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, अगर वेस्ट वार्ड होता है तो निगेटिव कंसिडर करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, दैट्स क्लियर। अच्छा, उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द आइसोगोनिक क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में एगोनिक क्या होता है। इसके पहले और बात करूँ तो मैं एंगल ऑफ डिप के बारे में बताया था, तो डिप को भी बताया था, जो भी एंगल हमारा वर्टिकल होता है मैग्नेटिक लाइन से वो आपका क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ डिप कहलाता है। उसमें भी एक क्लिनिक था और एक आपका आइसोक्लिनिक था डिप वाले में और आपका एक क्लिनिक था। तो सेम एंगल से अगर जो बनते हैं, सेम लाइन को, सेम एंगल ऑफ डिप को ज्वाइन करते हैं, तो सेम एंगल ऑफ डिप को जब ज्वाइन करते हैं तो आपका बनता है, दैट इज़ आइसोक्लिनिक बनता है, ठीक है, क्लिनिक याद रखिएगा डिप। और जो एक क्लिनिक बनता है वो आपको जीरो डिप को ज्वाइन करने वाली, जो कि इक्वेटर पे आपको लाइन मिल जाएगी इक्वेटर के पास में, दैट इज़ कॉल्ड आपका कहलाया जाएगा एक क्लिनिक। ये बात हमने अच्छे से क्लियर की थी। फिर अगर मैं बात करूँ तो मैं आया था दूसरे टॉपिक पे, आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वहाँ पे आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, फिर ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग के बारे में बताया था, उसके बाद में ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन की बात बताया था, इसमें से डिक्लिनेशन भी दिखाया था, ईस्ट वार्ड जा रहा वेस्ट वार्ड जा रहा वो सारी बातें की थी, फार्मूला निकल के आया था ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है, ठीक है। फिर डिक्लिनेशन में ये भी बताया था कि आपको जो भी डिक्लिनेशन हमने पढ़ा था उसमें दो बातें निकल के आई थी कि जब आपका यहाँ पे जब सेम डिक्लिनेशन होता है, मतलब सेम आइसो, इसको बोला था जैसे दैट इज़ आइसोगोनिक लाइंस बोला था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेम एंगल्स या सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज कॉल्ड आइसोगोनिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गोनिक है वहाँ पे क्लिनिक है, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके रखिएगा, कि जब तक ये डिफरेंस अगर आपको दिमाग में नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में गलत कर दोगे। तो एक तरफ कर दो आइसो, मतलब आपको करना है एक तरफ में डिक्लिनेशन एक तरफ में डिप। जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं, जो डिक्लिनेशन होगा इसमें आइसोगोनिक की बात होगी और जो डिप की तरफ हम लोग रहेंगे तो डिप में हम लोग क्लिनिक की बात करेंगे और एक क्लिनिक की बात करेंगे, और यहाँ पे आइसोगोनिक की बात करेंगे और आपका एगोनिक की बात करेंगे। तो एगोनिक जो होता है वो जीरो, मतलब जो जीरो आपके मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होते हैं उनको जोड़ के एक लाइन बनती है तो उसे बोला जाता है एगोनिक। तो दोनों बातें मतलब क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 मिनट के ब्रीफ दे दिया कि पिछले टॉपिक में मैंने क्या क्लियर किया था और आज हमको क्या पढ़ना है। आज हमको ये बातें पढ़नी है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन कैसे होता है, मतलब किस तरीके से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरी करता है टाइम के साथ में, कितने प्रकार के वेरिएशंस होते हैं, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द टॉपिक रिलेटेड विद द नेक्स्ट हेडिंग बना देते हैं। चलो, सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, after 30 सेकेंड विल स्टार्ट द टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग आपको बना देना है, दैट इज रिलेटेड विद द दैट इज वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। आई विल स्टार्ट द टॉपिक वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, ठीक है। तो वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलो इसके बारे में लिखते हैं, ये क्या है इसके बारे में डिक्लिनेशन। देखिए नाम में लिखा हुआ वेरिएशन, मतलब बदलाव,
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में क्या बदलाव होता है, या सिंपली डिक्लिनेशन बोल दें, टाइम के साथ में इसका क्या वेरिएशन रहता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। चल आ जाते हैं, दैट इज वी नो दैट हमको पता है, वी नो दैट declination at a place does not remain constant, full stop, it changes from time to time, it changes from time to time, these are, दूसरा पॉइंट है, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, these are four types, variations which occurs in magnetic declination at a place, किसी भी place पे जो भी variation निकल के आएगा, और ये different type का हो सकता है। पहला है secular variation, first is secular, different type के होते हैं, सबके नाम दे देते हैं। तो पहला होता है, that is मैं सबके नाम दे देता हूँ कौन कौन से। पहला है secular वेरिएशन, अभी सबके बारे में डिटेल में बात होगी, एग्जाम में पूछ लेता है किस टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं। सेकेंड नंबर का हो सकता है, दैट इज एनुअल वेरिएशन, एनुअल तो जानते हो वार्षिक होता है, एनुअल ये कई सालों में चेंज होता है, 100 साल, 150, 200, 300 साल, तो एनुअल वेरिएशन। और थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है डाई यूरिनल वेरिएशन, ठीक है। और फोर्थ वन इज, दैट इज इररेगुलर बोल सकते हो या रैंडम बोल सकते हो, कुछ भी बातें यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका निकल के आता है, दैट इज नेक्स्ट आता है इररेगुलर वेरिएशन, जिसकी कोई रेगुलरिटी ही ना हो, इररेगुलर वेरिएशन। चल अब एक एक करके डील करते हैं सारी बातों के बारे में, पता करते हैं कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं सेकुलर वेरिएशन। चल तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस, दैट इज सेकुलर वेरिएशन, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, दैट इज सेकुलर वेरिएशन, इसके बारे में पहला पॉइंट जो हम मेंशन करते हैं, दैट इज इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं। चलो सेकुलर वेरिएशन पहला पॉइंट, सेकुलर वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन occurs continuously over a long period, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। चल this variation approximate
फालूस शाइन का जो कर्व बनता है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है, इतने साल में इसका वेरिएशन दिखा जाता है, 3 सालों में, ठीक है। There is no reliable method of predicting secular variation। कोई भी रिलेबल मेथड नहीं है जो इसको बता सके, ठीक है, मतलब कोई ऐसा मेथड नहीं है जो इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे सके। सपोज दैट एग्जांपल, मैं डायग्राम से मेंशन करता हूँ, डायग्राम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज दैट इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये आपका ट्रू मेरिडियन है, और हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन इधर चली जाए, या ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। कल को जैसे सपोज दैट कि जैसे आपकी लाइन जो है मैग्नेटिक वाली, ये बदल सकती है, जैसे सपोज दैट इस तरीके से बदलाव इसके अंदर आ सकता है। एक बार आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ऐसे चली गई, तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन बात कर लें या मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये कुछ समय के लिए इधर चली गई, ओके। तो इसका कुछ जो वेरिएशन होता है, कुछ समय के लिए ये हो सकता है, इस दूसरे कलर से बनाता हूँ, कुछ समय के लिए जो ये है आपका इधर चेंज होके आ गई, ठीक है, तब यहाँ पे भी मैग्नेटिक नॉर्थ लिख सकते हैं। तो ये है आपका ईस्टवर्ड और ये है आपका वेस्टवर्ड, ये वेस्ट साइड में आ गया, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ठीक। तो इसका जो वेरिएशन निकल के आता है कुछ इस तरीके से आता है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से ट्रू मेरिडियन से इधर अगर गई, हो सकता है 150 साल के लिए गई हो, और इधर से जब इधर आई तो भी 150 साल लग गए, तो टोटल 300 साल लग जाता है इसके वेरिएशन में। तो इसका जो वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा। सपोज दैट आपका वेरिएशन जो है कुछ इस पॉइंट से ले करके, दैट इज ऐसे करके आता है, यहाँ पे पीक हो जाता है, यहाँ पे पीक हो जाता है, दिस इज पीक, यहाँ पे आपका पीक हो जाता है और यहाँ पे भी पीक हो जाता है, ठीक है। तो जो वेरिएशन होता है वो पीक कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो कुछ जो कर्व बना ना वो कुछ इस तरीके से बना, इसका जो कर्व निकल के आया, ये साइकिल आपकी है टोटल 300, शुरुआत का यहाँ से लेकर के ये जो वेरिएशन हुआ, मान लेते हैं कि ये शुरुआत से हुआ आपका 150 साल, फिर अगले 150 साल ऐसे निकल के आए, तो इस तरीके से आपका टोटल जो साइकिल निकल के आया वो कितना हो गया, वो आपका निकल गया 300। तो दिस इज हाउ मच यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है, तो 0 ये है और ये 300 है, यहाँ तक 150 ईयर है यहाँ तक, और फिर 150 ईयर में आपकी पीछे आ गई वेस्ट साइड में, तो टोटल लिया जाता है 300। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना आप वैल्यू कंसीडर करते हो, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो ईस्ट वार्ड भी समझ में आ गया और वेस्ट वार्ड भी हमको यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे एनुअल वेरिएशन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी पॉइंट है मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखो, सेकुलर वेरिएशन ऑफ द डिक्लेशन अकर इन कंटिन्यूसली ओवर द लॉन्ग पीरियड, मतलब ये जो भी होता है बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, मतलब 100 साल, 150 साल, तो इस तरीके से बदलाव होता है। दिस वेरिएशन अप्रॉक्सीमेट फॉलो द साइन कर्व फॉर द दैट इज पीरियड ऑफ 300। तो ये साइन का कर्व ऐसे ही बनता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 होता है, साइन 91 के पास होता है, तो साइन वाला वैल्यू। दिस आर नो रिलेबल मेथड, कोई ऐसा मेथड हमारे पास नहीं जिससे हम इसको अप्रॉक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट बता पाएं, प्रिडिक्ट कर पाएं इसके बारे में। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं बात करता हूँ एनुअल वेरिएशन। चलो फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एनुअल वेरिएशन।
चलो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, दैट इज एनुअल वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चल ये कहानी आपके क्लियर हो गई। देखिए एग्जाम में ईएस के एग्जाम्स में ये वेरिएशन ही नाम से ही पूछा कि बताओ कितने टाइप का होता है, तो कम से कम यही पता होना चाहिए कि किस टाइप का वेरिएशन हो सकता है। मतलब कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से उसमें परिवर्तन होता है, तो इसे सेकुलर बोला जाता है। तो कई सालों में अगर उसका, कई सौ सालों में अगर उसका वेरिएशन होता है तो दैट इज कॉल्ड सेकुलर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है एनुअल वेरिएशन, तो दूसरी हेडिंग आपको बनानी है, दैट इज एनुअल वेरिएशन। एनुअल, एनुअल परीक्षाएं देते हो, वार्षिक परीक्षाएं, एनुअल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन की बात हो रही है, ठीक है। चलो तो इस पर कुछ डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। दैट इज, इट इज अ वेरिएशन, इट इज अ वेरिएशन इन डेल्टा या डिक्लिनेशन, इन डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन दैट इज डेल्टा एट अ प्लेस, एट अ प्लेस, एट अ प्लेस इन वन ईयर, इन वन ईयर, एक साल में कितना परिवर्तन होता है उसके मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, तो दैट इज कॉल्ड एनुअल। तो नाम में लिखा हुआ एनुअल, तो आप सिंपली पहचान भी लोगे। इट इज कॉज्ड ड्यू टू, इट इज कॉज्ड ड्यू टू, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ, रेवोल्यूशन ऑफ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ अराउंड सन। पृथ्वी जो है किसके ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके, आपके, दैट इज रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। देखो एक तो होता है रोटेशन, ठीक है, एक होता है रेवोल्यूशन। तो जब पृथ्वी हमारी ना, सारे जो ग्रह हैं ना सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसी को बोलते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, तो अर्थ का जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है ना, अपने एक तो अपने एक्सेस पे ही, दो तेईस से एक बटा दो पे, तो वो पहली बार टिल्टेड है अर्थ इस तरीके से, तो वो अपनी एक्सेस पे भी घूमती रहती है और साथ में सन की परिक्रमा भी करती रहती है, ठीक है। चल तो इस बात की जानकारी मैंने दे दी। पृथ्वी और जो शुक्र होती हैं ये आपस में, इनको जुड़वा बहनें बोली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रहती हैं, इनका शेप साइज लगभग बराबर होता है, इसलिए आपको शुक्र ग्रह को भी जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक। दूसरी बात है, बहुत सारे ग्रहों के बारे में और जानकारी, जैसे बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके अलावा मंगल ग्रह, लाल ग्रह किसे बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोला जाता है, ये सब जानकारी आपको जाके ज्योग्राफी में रिवाइज कर लेना आज ही जा करके, ठीक है। और कहाँ पे जो है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में जैसे पाई जाती है, ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड को जैसे बड़े बड़े चट्टाने या रॉक्स होती हैं, ठीक है, और जो मंगल के कुछ उपग्रह हैं जैसे फैबोस करके है, ऐसे कुछ नाम है मुझे लगा, दो हैं मंगल के, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी दे दी। और कौन से ग्रह पर रिंग पाई जाती है, तो वो आपका शनि ग्रह है, ठीक है, शनि ग्रह है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि कहाँ पे कौन सी गैस, मीथेन गैस किस पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये सारी जानकारी आपको एक बार जा करके घर पे सारे ग्रह, धूमकेतु क्या होता है, उछल तारा क्या होता है, ठीक है, एस्ट्रॉयड होता क्या है, एस्ट्रॉयड रॉक्स होती हैं, मेट्रॉइड्स क्या होता है, ये सब इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, बाकी एक बार जा करके जैसे आज पढ़ रहे हो
जाकर फिर उठाओ, एक दो रिवाइज कर लो, एक दो क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में नॉन टेक में मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से अपनी पढ़ने की आदत डालो। तो ग्रहों के बारे में भी थोड़ा सा पता कर लेना, दिन रात क्यों होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें देख लेना, ओके, रोटेशन के कारण क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जा करके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट सेम एन, इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ नॉट सेम एज एनुअल रेट, एज एनुअल रेट, इट इज़ नॉट सेम एज एनुअल रेट ऑफ चेंज। देखिए जहाँ पे भी रेट लग जाए इसका मतलब टाइम की बात करना चाहते हैं। रेट ऑफ चेंज सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन नो रिलेशन विथ सेकुलर, इसका नो रिलेशन है किसके साथ, सेकुलर के, क्योंकि वो भैया 300 साल में चेंज हो रहा है, 150 साल में, तो उसका कोई रिलेशन नहीं। नो रिलेशन विथ सेकुलर, नो रिलेशन विथ सेकुलर। तो ग्रहों के बारे में जाकर के यार रिवाइज कर लेना, कहीं से भी एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ना है लूसेंट से पढ़ लो, लेकिन रिवाइज कर लेना इसी बहाने मेरे साथ में, तो आपकी ज्योग्राफी भी रिवाइज होती जाएगी। सर्वे पढ़ते जाओ, आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी, ठीक है। चल नेक्स्ट आ जाओ, डाई यूरेनल वेरिएशन। तो ये है थर्ड, ये तो साल पे हुआ, एक नेक्स्ट आता है डाई यूरेनल। डाई यूरेनल वेरिएशन का मतलब दिन का वेरिएशन, एक दिन में कितना वेरिएशन हो रहा है, 24 घंटे में जो वेरिएशन होता है उसे बोला जाता है डाई यूरेनल वेरिएशन। तो दिन 24 घंटे में आपका मैग्नेटिक डिक्लेशन बदल गया। सपोज दैट आपने कोई रीडिंग ली और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी अर्थ की कहीं पे एक घंटे 24 घंटे में आपने सपोज दैट रीडिंग लिया कहीं फील्ड पे, तो आपने कंपास से एंगल को मेजर किया मान लिया, ठीक है। तो सपोज दैट आपने एंगल मेजर किया, तो उस समय मान लेते हैं कि दिन के समय ये ट्रू बेयरिंग आपकी यहाँ पे ट्रू मैग्नेटिक है, ट्रू नॉर्थ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ सपोज दैट यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ से आपने कोई रीडिंग जो है ना मैग्नेटिक नॉर्थ से आपने कोई रीडिंग ली एक साइड की OA, ठीक, यहाँ पे कुछ एंगल आपने मेजर किया, पता चला सुबह मेजर किया शाम को चेंज की देखा तो उसका एंगल कुछ और बता रहा था आपका मैग्नेटिक कंपास। तो इस तरीके से दिन के साथ जो वेरिएशन हो जाए एंगल में, तो दिस इज कॉल्ड एनुअल वेरिएशन। तो मैग्नेटिक डिक्लेशन में वेरिएशन निकल के आ जाएगा, क्योंकि ट्रू बेयरिंग कुछ और होगी, मैग्नेटिक में रीडिंग बेयरिंग कुछ और होगी, तो दोनों का डिफरेंस ही तो बताता हमको है मैग्नेटिक डिक्लेशन। तो दैट इज, इट इज़ वेरिएशन, it is variation in declination at a place in one day, एक दिन में कितना variation है उसकी बात करते हैं। it is caused due to rotation of earth, ये तो रिवोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा ये रिवोल्यूशन है, दोनों में अंतर है रिवोल्यूशन और रोटेशन में, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, देखिए अर्थ 24 घंटे में अपने एक्सेस पे रोटेट होती है कि नहीं होती, होती है, और जो आपकी अर्थ है ये आपका जो सन है उसकी परिक्रमा करने में उसको 365 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 365 / 1/4 लगता लगभग है, ठीक है, चलो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो ये एनुअल इसीलिए लिखा गया, चलो तो ध्यान रखिएगा। ऋतुओं जो दिन रात होता है उसका कारण होता है रोटेशन, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लेता है। रोटेशन की वजह से अर्थ का जो रोटेशन अपनी एक्सेस पे हो रहा है, अपनी एक्सेस पे ही हो रही है अर्थ है, तो उसके कारण दिन रात होते हैं। और जो ऋतुएं बदलती हैं, जो सीजन बदलता है, उसका कारण होता है आपका अर्थ का रिवोल्यूशन, जो घूर्णन होता है अर्थ का पृथ्वी के सन के चारों ओर, उसके कारण आपके ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है, जाड़ा गर्मी ये सब आता है। तो ऐसा क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको पूछ लेगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूँ, दैट इज, इट इज़ वेरिएशन प्लेस, इट इज़ कास्ड ड्यू, इट इज़ कास्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सेस, अबाउट इट्स ओन एक्सेस, अपने खुद की एक्सेस के अबाउट अर्थ क्या करते रहते हैं, रोटेट। जैसे आपकी अर्थ ये है, सपोज दैट ये अर्थ है, जैसे ये अर्थ है देखो, ठीक है, सपोज दैट ये अर्थ है, इस तरीके से अर्थ को बना दे, तो ये अपने एक्सेस पे झुकी हुई है ना, कितने एंगल पे, इससे आपकी अर्थ का जो एंगल है वो 23/1/2 पे झुकी हुई है, ठीक है। तो इस एक्सेस के अबाउट अर्थ आपकी क्या होती है, रोटेट होती रहती है,
और डायरेक्शन इसका किधर से होता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अपने एक्सिस पे ये 23/1/2 झुकी हुई है और इस तरीके से रोटेट करती है, तो आप देख सकते हो इसका वेरिएशन में सेंटर से बनाया नहीं, तो 23/1/2 पे ये रोटेट करती रहती है। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको दे दी। ओन एक्सिस, आगे बात करते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट कि डाई यूनियन जो वेरिएशन है ये हमको ऑब्जर्व किया गया। इट इज ऑब्जर्व दैट ये महसूस किया गया कि ऑब्जर्व किया गया कि जो डाई यूरेनल वेरिएशन है इसके कारण देख लो। पहला, दिन में ज़्यादा होगा रात में ज़्यादा होगा, उसके सारे कारण भी बताता हूँ। ग्रेटर इन समर देन इन विंटर, ठीक है। ग्रेटर इन डे, अब इसका कारण अभी बताता हूँ। ग्रेटर इन डे देन इन नाइट, मतलब दिन में ज़्यादा होता है इसका वेरिएशन। सी, ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर, दैट इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, ठीक है। तो पोल स्पेस का वेरिएशन ज़्यादा दिखाई पड़ता है डिक्लिनेशन का एज कंपेयर टू आपका इक्वेटर। डी देख लो, इट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर ये बदलता रहता। तो ये जानकारी मैंने आपको एक दे दी, बेसिक जानकारी, और ये पूछता जरूर है एग्जाम में। तो ग्रेटर इन समर, देखो गर्मियाँ ज़्यादा होती तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर की वजह से भी बदल जाती है, क्योंकि देखिए अर्थ के जो कोर है ना, अर्थ के कोर में मैंने बताया था जो कोर है बिल्कुल भी अंदर का पार्ट होता है, तो अर्थ का जो कोर होता है उसमें निकल और आयरन होता है, तो ये टेम्परेचर के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, इसलिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके डिक्लिनेशन में उतना ही फर्क आएगा। तो ग्रेटर इन समर, फिर ग्रेटर इन डे एंड देन नाइट, तो इसका मतलब ये है कि दिन का तापमान हमारा ज़्यादा रहता है, इस वजह से भी वेरिएशन हो सकता है, ठीक। और ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर, इसको यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेट नहीं करा सकते, हर पॉइंट को टेम्परेचर से रिलेट नहीं करा सकते, तो ग्रेटर एट पोल्स रहता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। तो ये जानकारी दे दी। एक्चुअली जो आपका पोल होता है यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स लगता है उसका भी इफेक्ट हो सकता है। एक कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होता है, एक फेरल लॉ होता है ज्योग्राफी में है, तो हवाओं के डायरेक्शन को बताता हुआ है कि जो हवाएं हमारी चलती रहती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट हो जाएंगी कि राइट हो जाएंगी, इन सब के बारे में कोरियोलिस बल बताता है, और जो फेरल का नियम होता है वो हमको जानकारी देता है, ठीक है। तो इस गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं, हो सकता है इधर डिफ्लेक्ट हो जाए, कोई हवा इधर डिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपने देखा होगा मैप के ऊपर आपको दिखाया जाए, अगर आपके पास मैप होगा तो मैप में सब दिखाया गया है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। अब लास्ट जो वेरिएशन है उसको देख लेता हूँ इरेगुलर के बारे में, ठीक है। चलो अगला वेरिएशन देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ लें। क्लियर, तो इस तरीके से सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई। क्लियर है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर अगले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाएंगे लोकल अट्रैक्शन पे। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ और समझाना है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है डियर, और मेहनत करते जाना एकदम है, परीक्षा एकदम नज़दीक आ रही है, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है,
सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। जहाँ से भी आपका टाइम इस समय बर्बाद हो रहा है उसको एकदम से रोक दीजिए, ठीक है। पढ़ते समय ये ध्यान दो शाम को कि आप आज आपने क्या पढ़ा और आपने जो भी टारगेट बनाया था क्या वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, या फिर आपने किस जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मतलब कहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। इन सब के बारे में अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई हो जाएगी। दिन में ये देखो, शाम को देखो कि मैंने आज दिन में कहाँ पर अपना टाइम बर्बाद किया है, उस चीज़ को अगले दिन से इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दो, पढ़ाई आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अपने आप को जो है टाइम बहुत अच्छे से अच्छी जगह लगाना है, अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है उसको देख लेता हूँ, दैट इज एक क्वेश्चन भी करा देंगे एक छोटा सा। अच्छा, दैट इज इरेगुलर वेरिएशन। तो फोर्थ वन इज इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इरेगुलर वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चल, तो इट इज कास्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक की जानकारी मैं देता हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा। वॉल्केनिक ज्वालामुखी उद्गार इसको बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन और स्टार तूफान आ जाए तब भी ये फर्क पड़ सकता है। तो ये सब कारण होते हैं आपके वेरिएशन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोगोनिक एंड एगोनिक लाइंस आर इरेगुलरली चेंजेस विथ टाइम। तो ये टाइम के साथ बदलती रहती है। तो आपको आज ही जा करके ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना मैं बता देता हूँ, रिकॉल करना अपना जा करके, भले कहीं से भी पढ़ना, लूसेंट से पढ़ना या एनसीईआरटी से पढ़ना। देखो, आपको अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना, वॉल्केनिक के बारे में और वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से जानकारी लेना। स्टॉर्म तूफान, हाल ही में इंडिया में देख लेना, अम्फान आया था, ठीक है, निसर्ग आया था। अम्फान बंगाल की खाड़ी में आया था, निसर्ग जो आया था अरब सागर गुजरात के तट पर आया था, ठीक है। अम्फान का नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था, और निसर्ग का शायद नाम जो है बांग्लादेश ने दिया था। ये सारी बातें याद रखना। और जो अम्फान था वो सुपर साइक्लोन था, वो भी याद रखिएगा, स्पीड 180 किलोमीटर के आसपास थी। तो ये जीएस में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में पूछ लेगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया था, जब आपका कोरोना चल रहा था लॉकडाउन में तभी आया था शायद, ठीक है। तो इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी। तो तूफान आपको बता दिया मैंने, दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। कौन देश नाम देता है, कहाँ किस खाड़ी में आया हुआ है और कहाँ पर अटैक किया था, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा अटैक किया था अम्फान। निसर्ग जो आया था इस साइड में आया था, बंगाल गुजरात और महाराष्ट्र पे अटैक किया था, तो आपने देखा भी था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बता दी। इसके पहले एक वायु आया था, वो भी गुजरात पे आया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लेगा। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जैसे कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर का है, विसुवियस आपका इटली का है, ठीक है। कोटोपैक्सी बता दिया, विसुवियस बता दिया, फ्यूजियामा बता दिया, और बहुत सारे ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, इटली के इटना है, ठीक है। उसके बाद में कोटोपैक्सी बता दिया, विसुवियस बता दिया, स्ट्रोम्बोली है जो कि आपका स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भूमसागर का कहा जाता है, वो सब पढ़ लेना, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब ज्वालामुखी उद्गार हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंडोनेशिया में बहुत सारे हैं, फिलीपींस में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। भारत में बैरन आइलैंड है जो कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, तो बैरन आइलैंड पे भी जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। कुछ प्रसुप्त होते हैं जो ठंडे हमेशा रहते हैं, कई साल से उद्गार नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा उद्गार होता ही रहता है। तो इस तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ज्वालामुखी होगा वो समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि उसको जलवाष्प मिल जाती, पानी मिल जाता है, इसी वजह से उसमें भाप निकलती रहती है, ठीक है। तो कोई भी ज्वालामुखी एकदम ध्यान रखिएगा, हमेशा समुद्र के किनारे ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो जा करके आज रिवाइज कर लेना,
ज्वालामुखी वर्ड लेवल पे लूसेंट उठाना, एक बार नज़र डाल देना, आज से आपको याद हो जाएगा ज्वालामुखी। ठीक, दूसरी बात है अर्थक्विक जाना, अर्थक्विक में ये देख लेना अर्थक्विक का कारण क्या होता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना होता है तो ये भी हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, कोई बम विस्फोट हो इसकी वजह से भी आ सकता है, तो अर्थक्विक का कारण ये हो सकता है। वॉल्केनिक इरप्शन में कौन कौन सी गैसें निकलती ये जानकारी होनी चाहिए। अर्थक्विक में आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टर स्केल क्या होता है, स्पेस स्केल का पैमाना क्या होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, एक मर्कैली स्केल होती है। तो रिएक्टर स्केल पे आपका मैग्नीट्यूड पता चलता है और जो मर्कैली स्केल होता है उस पे आपको इंटेंसिटी पता चलता है। तो इसके स्केल जो होती है 10 टाइम हर एक बार में 10 गुना बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जो रिएक्टर स्केल होती है वो आपकी लॉग स्केल पे होती है, मर्कैली स्केल की कोई ये बात नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, मर्कैली इंटेंसिटी बताता है और जो आपका अर्थक्विक होता है ये आपको क्या बताता है, ये अर्थक्विक पे जो आपका रिएक्टर स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है। कहते हैं ना इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्विक आया, तो ये जानकारी आपके रिएक्टर पैमाने पे, इसकी स्टडी सेस्मोग्राफ कहलाती है, सेस्मोलॉजी बोला जाता है। तो स्टडी आप जो अर्थक्विक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। ठीक है, अर्थक्विक में तीन प्रकार की वेव होती है, प्राइमरी सेकेंडरी होती है और एक और होती है। प्राइमरी सेकेंडरी जिनको एस वेव बोलते हैं, सेकेंडरी को एक लव वेव भी होती है। प्राइमरी वेव तीनों माध्यम में चल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस में, और जो सेकेंडरी वेव होती है वो केवल सॉलिड में चलती है। तो ये जानकारी भी दे दी। उसमें एक ईपी सेंटर होता है, एक फोकस होता है, उसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है, जो फोकस होता है, और ईपी सेंटर जस्ट ऊपर होता है फोकस के। ठीक है, तो इस चीज़ की मैंने जानकारी दे दी। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको ज्योग्राफी की बता दी, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने जो कहा जितनी बातें, मैं आप लोग क्यों जिक्र करता हूँ, बस आपकी भलाई के लिए जिक्र करता हूँ। बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं कि सर अपना ज्ञान यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को साथ में एक इंटरेस्ट बना रहा है। मेरा मकसद ये भी कि जीएस से भी 6-7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, ज्योग्राफी से भी। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, अब ऐसे आपके अर्थक्विक आज रिवाइज कर लिया, ऐसे वॉल्केनो रिवाइज कर लिया, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, 20-20 मिनट के, एक बार पढ़ लोगे दिमाग में फंस जाएगा, क्वेश्चन आएगा निकाल के चले आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी आदतों को बदलो। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से मैंने सारी बातें कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, तो ये ज्योग्राफी भी आपको ध्यान देना है, साथ में बात करते रहना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन, क्वेश्चन है मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन AB is found to be 130 degree। ठीक है, when magnetic declination was 10 degree वेस्ट। ठीक है, 10 degree वेस्ट। ओके, डिटरमिन ट्रू बेयरिंग ऑफ सेम लाइन। तो आपको बताना है ट्रू बेयरिंग ऑफ सेम लाइन। ठीक है, सपोज दैट आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, ये आपका ट्रू नॉर्थ। ठीक है, ये एकदम फिक्स रहेगा। ओके, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट। जो लाइन है ना वो वेस्ट साइड में है। कहाँ पे? वेस्ट साइड, इस तरीके से। ठीक, कितना दे रखा है ये आपकी जो, अच्छा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है, सॉरी लाइन तो आपकी इतना दे रखा है। लाइन का एंगल जो भी दिया होगा, देखिए आपकी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये इतनी है, इस तरीके। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। कितना डिक्लिनेशन दे रखा है? 10 डिग्री वेस्ट। ये हो जाएगा आपका डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, फिर आगे जानकारी आपको दे दी है। अब आपको 130 डिग्री आपने सबको मैग्नेटिक बेयरिंग बताई है, तो जो लाइन होगी ना 130, ये वाली लाइन 130 डिग्री बताया, तो थोड़ा सा आपका एंगल ज़्यादा रहेगा, 90 तो ऐसे ही हो गया, थोड़ा मैंने कम बनाया। वैसे बनाने के लिए आपको लाइन में बता सकता हूँ, कुछ ऐसे करके बना सकते हो, डायग्राम है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक बेयरिंग दी गई है वो इस लाइन की, जो मान लेते हैं एक लाइन ओ ए है,
इस लाइन की जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो कहाँ से दी होगी? यहाँ से दी होगी, क्योंकि भैया मैग्नेटिक नॉर्थ से, क्योंकि मैग्नेटिक बेयरिंग जो होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से दी होती है। तो ये एंगल आपको कितना दे दिया, 130। तो ट्री बेयरिंग तो आप डायग्राम से भी देख के तो बता सकते हो, बिना फार्मूला लगाए नहीं बता सकते, बता सकते हो। आप ये बताओ आपको ट्रू बेयरिंग चाहिए, तो बचा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 130 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। या आप फार्मूला लगा के बता दो। तो ये तो मैंने एक आपको बना दिया डायग्राम से, तो डायग्राम से ज़्यादा बेटर बैठता। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, जो भी डिक्लिनेशन दिया हुआ है उसको डायग्राम में ये देखो, किससे, किसके रिस्पेक्ट में आप डिक्लिनेशन बताओगे, ट्रू बेयरिंग के रिस्पेक्ट में या ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ट्रू नॉर्थ 10 डिग्री था मैग्नेटिक वाला, तो डिक्लिनेशन 10 डिग्री दिखा दिया। तो दोनों का मैंने आपको डिफिनेशन भी बताई थी कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में होता है, या ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग होता है, कुछ भी बोल दो, या ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बोल सकते हो। तो इससे 10 डिग्री पे था बना दिया, ये कहानी क्लियर हो गई। दूसरी बात उसने बोला है कि मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक जो बेयरिंग है वो 130 डिग्री है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से तो मेजर करोगे नहीं, ट्रू नॉर्थ से। जो भी बताओगे जहाँ पे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वहाँ से 130 बता दोगे। फिर आपको बताना क्या है, ट्रू बेयरिंग। तो ट्रू बेयरिंग क्या बताओगे, जो ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बनाएगी हमारी लाइन, वही सेम लाइन जो पहले अभी मैग्नेटिक से बना रही थी, वही लाइन आपको अब ट्रू नॉर्थ से देखना है। तो आप बचा हुआ एंगल बता दोगे, दोनों का डिफरेंस ले लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना फार्मूला लगाए भी डायग्राम से आंसर निकाले कि आप एक आदत बना लो, ऐसे सारे आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी बैध, और बाकी आप ऐसा कर सकते हो, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस आप डेल्टा लगाते हो, ठीक। गिवन डेटा मैं लिखूँ तो मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दे रखा है 130 डिग्री, और बाकी आपको दे रखा है डिक्लिनेशन आपको 10 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और वो भी वेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेस्ट। तो ये जानकारी दे दी, ठीक। चलो अब आप ये बताओ मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दे रखा है कितना है, दैट इज़ 130 डिग्री, और दिस इज माइनस लगाओ यहाँ पे, प्लस माइनस आपको रखना है और डेल्टा, या ऐसा कर दो माइनस लगा लो क्योंकि वेस्ट है, माइनस 10 डिग्री बिकॉज डेल्टा इज 10 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो फार्मूला बिना लगाए भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, या आपको बस एग्जाम में इतना ध्यान रखना ईस्ट है कि वेस्ट है, मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया हुआ है उसको ध्यान दो, अगर वेस्ट है तो घटा दो, ईस्ट है तो जोड़ दो, खत्म कहानी, क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। तो एसएससी जेई में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, तो इनको आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक खास बात और है, जैसे ध्यान रखिएगा ये कि जो भी एंगल्स हमको लेना है वो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपका एंगल क्वाड्रेंट बेयरिंग में दिया है तो उसको कन्वर्ट जरूर कर लेना किस में, होल सर्कल बेयरिंग में। तो सपोज दैट आपका एंगल 130 डिग्री था, कल को ये एंगल आपको 130 ना दे करके वो ये कह देता कि जो भी एंगल आपका 130 है ये वैल्यू आपकी बोल देता 130 180 में से घटाओ बचेगा 50, तो ये बोल देता कि जैसे 130 डिग्री आपका यहाँ पे आता, लगभग यहाँ से मेजर करते तो 130 डिग्री इधर आता, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी एंगल है इसको 180 में से 130 सबट्रैक्ट करोगे बचेगा आपका 50, तो 50 लिख सकते थे, साउथ से आपको ईस्ट लिखना पड़ता। तो पहले आप उसको होल सर्कल में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दो है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो टाइम के साथ वेरी करता है या नहीं करता, करता है। तो इससे ऐसा सस्ती जी में पूछा है, 2017 में पूछ रखा है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी, लगा ले जाओगे ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बहुत आसानी से चीज़ों को डील किया जा सकता है। बहुत सारी डिफिनेशन पूछी हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए सारे क्वेश्चंस के बारे में।
एजीमूथ क्या होता है ये भी आपको बताया था, ट्रू बियरिंग होता है, एजीमूथ है, तो ये जानकारी भी आपको दे दी गई थी। ठीक है, और एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसको आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से सारी जानकारी आपको मैंने दे दी, बाकी क्वेश्चन वाली क्लास में हम अलग से करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, ये कहानी हो गई। ऐसे आपके कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, कल को वो ट्रू बेयरिंग दे देगा आपको, और ट्रू बेयरिंग दे देगा, मैग्नेटिक बेयरिंग भी दे देगा। ठीक है, तो ट्रू बेयरिंग मान लिया 130 डिग्री दी हुआ है, और मैग्नेटिक बेयरिंग मान लिया 140 डिग्री है, जब सॉल्व करोगे 130 माइनस 140 करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसका मतलब डिक्लेरेशन वेस्ट साइड हो जाएगा। तो सिंपली आपको काम करना है, इसी में अगर मान लिया कल को क्वेश्चन दे दे ट्रू बेयरिंग आपको 130 डिग्री है, मैग्नेटिक बेयरिंग 140 डिग्री है, तो 130 माइनस 100 करोगे कितना, 40, 10 आएगा, और माइनस का अगर 10 आ गया तो इसका मतलब डेल्टा कहाँ पे लगाओगे, वेस्ट साइड में हो जाएगा, सिंपल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स करके आने चाहिए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो गया, अब हम बात कर लेते हैं लोकल अट्रैक्शन के क्या होता है, इस पे भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लोकल अट्रैक्शन। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया, चलो आगे मूव करते हैं। लोकल अट्रैक्शन पे मूव करते हैं। ठीक है, एक एक करके डील करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लोकल अट्रैक्शन ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लोकल अट्रैक्शन नाम में लिखा हुआ है क्षेत्रीय अट्रैक्शन, आसपास के अट्रैक्शन की वजह से जो भी रीडिंग्स में गलतियां हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। अब ये लोकल अट्रैक्शन देखिए, लोकल अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी आप मेज़रमेंट कर रहे हो, जो भी मेज़रमेंट आप कर रहे हो फील्ड पे, वहाँ पे कोई लोकल ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से अगर आपकी कोई रीडिंग डिफेक्ट कर रही है या गलत हो रही है, उसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक नीडल में इफेक्ट आ रहा है, तो उसे बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, कोई पड़ोस में ऑब्जेक्ट है, हो सकता है आपका इक्विपमेंट में, हो सकता है कोई वॉच आप पहने हो सकता है कोई पिन आपके पास हो सकता है कि जो आपका पैक्स हो या कुछ भी एरो हो, या जो इक्विपमेंट से आप सर्वे करो वहाँ पे आसपास में लोहा कोई पड़ा हुआ है, या कोई व्हीकल है आपके आसपास में, गाड़ी खड़ी हुई है और वहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके जो लोकल अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे इसका इफेक्ट नहीं होता है। जो इफेक्ट मेन हमें कंसीडर करना लोकल अट्रैक्शन में है, वो कंसीडर करना है किसकी वजह से, जो लोकल ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से हमको यहाँ पे फर्क को ऐड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। जो भी लोकल ऑब्जेक्ट होगा उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा, उसकी रीडिंग्स में जो भी इफेक्ट आ जाएगा, जो हमारी नीडल है इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो कंपास सर्वे भी, प्रिज्मेटिक कंपास भी हो सकता है, सर्वेयर कंपास भी हो सकता है। इनके बारे में भी हम लोग डिफरेंस पढ़ लेंगे कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस निकल के आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक, तो दैट इज हेडिंग बना दो, लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, दैट इज LA, लोकल अट्रैक्शन शॉर्ट में एक इसको लिखा जाता है, LA के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट्स क्लियर। चलो तो आगे बात हम लोग इसके बारे में करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि जैसे आपने मैग्नेटिक, जैसे सपोज दैट की एग्जांपल के रूप में समझते हैं, आप कहीं पे सही सर्वे कर रहे थे, सपोज दैट अभी कुछ देर के लिए आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ था यहाँ पे था, ठीक है,
इस तरीके से। मैग्नेटिक नॉर्थ आपका सपोजिट यहाँ पे था, और हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट आपका जो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपने लोहे की घड़ी ही पहने रखी है, तो उसकी वजह से न्यू मैग्नेटिक आपका नॉर्थ चेंज हो सकता है। तो सपोज दैट इस तरीके से ये हो जाएगा आपका न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ, न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ दिस इज वेस्ट वार्ड, वेस्ट वार्ड लोकल अट्रैक्शन। तो ये आपकी जो है वेस्ट साइड में आपकी कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसी को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन, इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो किससे दिखा रहा हूँ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, अभी ट्रू नॉर्थ यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फील्ड पे जो सर्वे करते हैं ना वो मेरे पास ट्रू नॉर्थ या ट्रू आपका नहीं होता, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से पता चलता है। लेकिन जो फील्ड पे आपने ट्रावर्स बनाते हो या जो भी रीडिंग्स लेते हो, वो सारी रीडिंग्स आपको यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ से ही पता चलती हैं, दैट्स क्लियर। फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से जो भी कंपास की निडल थी वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई, तो आपने एंगल जो मेजर करना था, मान लो 50 डिग्री मेजर करना था, हो सकता है वो आपने कम या ज़्यादा मेजर कर दिया, इसे बोला जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट वार्ड साइड में चली जाए, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, इस तरीके से आपकी सुई डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ, न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ, शॉर्ट में लिख दिया हूँ न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज लोकल अट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। चल तो ईस्टवर्ड लोकेशन, ईस्टवर्ड लोकल अट्रैक्शन, इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दैट इज पॉजिटिव लोकल अट्रैक्शन, और जो वेस्ट साइड में हो जाएगा इसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव लोकल अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल अब सारे पॉइंट जो भी इसके थ्योरिटिकल पॉइंट निकल के आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक। चल दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ, और ये वेस्ट आपका यहाँ पे लिख सकते हैं साउथ। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई। पहला पॉइंट इसका जो डिस्कशन का निकल के आता है वो ये है दैट इज लोकल अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन ऑफ, सारे पॉइंट को मेंशन करते हैं, लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन, इज अट्रैक्शन, इज अट्रैक्शन, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल टू सम लोकल, टू सम लोकल, टू सम लोकल मैग्नेटिक फील्ड, सम लोकल मैग्नेटिक, लोकल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो आपकी जो भी निडल बनी होती है, जो भी आपकी सुई होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, और उसको कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मिल गया, लोहा निकल कुछ भी मिल गया, उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अदर देन, अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ करके जो अदर ऑब्जेक्ट हैं अगर डिस्टर्ब करते हैं तो लोकल अट्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं, मत ध्यान रखिएगा, अदर देन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट निकल के आता है इट इज कास्ट बाई एनी आयरन मटेरियल, इट इज कास्ट बाई, कास्ट बाई एनी, इट इज कास्ट बाई एनी आयरन मटेरियल, आयरन मटेरियल, आयरन मटेरियल प्रेजेंट नियर बाई, प्रेजेंट बाई, प्रेजेंट बाई, ठीक है, प्रेजेंट बाई, प्रेजेंट नियर बाई, सॉरी, प्रेजेंट नियर बाई, प्रेजेंट नियर बाई टू द कंपास स्टेशन, टू द जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो वहाँ की बात करें, टू कंपास स्टेशन, टू कंपास स्टेशन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल जैसे आपके थर्ड पॉइंट कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप से सर्वे कर रहे हो सकता है कि मान लिया कि आयरन की पाइप हो वहाँ पे,
आयरन पाइप की वजह से ऐसा हो सकता है, स्टील व्हीकल्स हो सकते हैं, दैट इज स्टील, गाड़ी खड़ी है वहीं पे आप सर्वे कर रहे हो, स्टील व्हीकल्स, आयरन के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, आयरन का और हो सकता है, आयरन का डिपॉजिट है कहीं पे, मान ले आयरन की मतलब जो है खान है कहीं पे, आयरन की चट्टाने हैं, खान है, तो वहाँ पे भी हो सकता है, एरो, एरो आपने लगा रखा है, यह सारी चीज़ें एटसेट्रा, ठीक है। चल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो आपका लोकल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, मैग्नेटिक नीडल विल डेविएट, विल डेविएट, विल डेविएट फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, फ्रॉम मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दो या मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ध्यान से देखिएगा इसने क्या किया, विल डेविएट फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल सकते हो या मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। चल, विच रिजल्ट्स इन, विच रिजल्ट्स इन, विच रिजल्ट्स इन, विच रिजल्ट्स इन रॉन्ग, इन रॉन्ग मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक रॉन्ग इन मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ट्रावर्स लाइन, ट्रावर्स लाइन, ठीक है, ट्रावर्स लाइन, तो जिससे कि आप जो भी ट्रावर्स कर रहे हो उससे आपकी जो मैग्नेटिक बियरिंग निकल के आएगी वो रॉन्ग आएगी, हो सकता है आप मेजर करते हैं 60 डिग्री, हो सकता है वो आपको 58 बता दे, 62 डिग्री बता सकते, तो इस तरीके से उसके फ़र्क पड़ जाएगा जो भी आप वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे होगे, क्लियर है। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे हमने कर ली, चलो इस इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, लिख लिया ना आसानी से। चल, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आगे बढ़ता हूँ। सपोज दैट कि आप कहीं पे सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट आप कहीं पे सर्वे कर रहे हैं और एक आपने ट्रावर्स बनाया, सपोज दैट आपका, ऐसा समझ लेते हैं, सपोज दैट आप सर्वे कर रहे हो, दैट इज इस तरीके से, ठीक ठीक, इस पॉइंट को इससे मिला दिए, इस तरीके से आपका सर्वे, ये आपने सर्वे स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इस लाइन की आपकी ये फोर बेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी, ये फोर बेयरिंग आपने मेज़र किया, उसके बाद में इस लाइन को यहीं से भी आपने मेज़र कर लिया, यहाँ पे रीडिंग बताई,
फिर अगला सिमिलरली यहाँ पे भी आपने इस लाइन की एक रीडिंग आपने ये बताई और अगली रीडिंग आपने ये बताई। इसमें भी आपने क्या किया, पहला ये नॉर्थ है ना, ट्रू नॉर्थ, ये जो भी आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है यहाँ से आपने मेज़र किया लाइन को इस तरीके से, ठीक है। ये तो आपकी बैक बेयरिंग हो गई और एक ही आपकी फॉरवर्ड बेयरिंग हो गई। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आपने क्या किया, इस लाइन से आपने मेज़र किया, ये आपकी रीडिंग्स आ गई, ठीक है। चल, और एक रीडिंग आपकी यहाँ पे इस तरीके से आ गई, क्लियर है। चल, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो दैट इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, इस तरीके से अगर आप कहीं पर सर्वे कर रहे हैं। तो सपोज दैट कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए से बी की तरफ बात करते हैं, ये आपका मतलब एज अ प्रिज्मेटिक कंपास है, कोई भी कंपास यूज करके अपने ट्रावर्स बना दिया, दिस इज क्लोज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स, ये ट्रावर्स बन गया। ट्रावर्स में हम लोग क्या करते हैं, एंगल के साथ साथ में क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन को कंपास से बताते हैं और लीनियर मेजरमेंट को चेन की मदद से बताते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट आपका ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज थीटा वन, ठीक है, दिस इज थीटा वन, और ये सपोज दैट आपका इस लाइन का जो बैक बेयरिंग है, दिस इज सपोज दैट थीटा टू, जो लाइन ए बी है उसकी बैक बेयरिंग क्या हो गई, थीटा टू हो गई। तो यहाँ पे जो बातें निकल के आती हैं, शुड बी, अगर मैं बात करूँ, अगर मान लिया आपका दोनों का डिफरेंस है थीटा वन माइनस थीटा वन, थीटा टू यहाँ पे क्या है, बैक बेयरिंग है लाइन ए बी, तो मैं लिख देता हूँ थीटा वन फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, थीटा टू बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। थीटा टू क्या हो गया, बैक बेयरिंग, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड की बता रहे हैं, ठीक है। ओके, सर्वे के जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है ये पॉइंट से, वो आपका कहलाता है फोर बेयरिंग, और जो उसके अपोजिट होता है इसके पीछे साइड में आओगे तो दिस इज कॉल्ड बैक बेयरिंग ऑफ लाइन दिस। तो थीटा माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या इसको बोला जा सकता है दैट इज बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग इज इक्वल टू 1, ये इसके बराबर आपका होना चाहिए अगर लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, ठीक है। शुड बी फ्री फ्रॉम, शुड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। चल, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, और अगर मान लिया कि जो थीटा टू माइनस थीटा वन जो है डज नॉट इक्वल टू 180 है, तो दिस इज इफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, दिस इज अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपका लोकल अट्रैक्शन रहेगा अगर दोनों का डिफरेंस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, कौन सा नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो थीटा टू माइनस मतलब बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग का जो डिफरेंस है, अगर 180 के आसपास नहीं आ रहा है, या तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, ट्रू बेयरिंग और मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है तो वो स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन के से आपका क्या होगा, उसके इसके ऊपर जो है लोकल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब वो लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड है, और जिसमें आपका 180 डिफरेंस आ जाए इसका मतलब ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके बन जाते हैं, पूछ देगा, चार ऑप्शन बना देगा और चार वैल्यूज दे देगा कि कहेगा बताओ कौन सा स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, तो जिनका डिफरेंस 180 आ जाए वो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट लिखते हैं और क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डिटरमिन करते हैं। चलो, एक पॉइंट लिखो जो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, टू डिटरमिन द खास बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी रीडिंग्स हम लोग लेंगे वो होल सर्किल बेयरिंग लेंगे। रीडिंग्स वर टेकन इन होल सर्किल बेयरिंग, अगर आपकी वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मान लिया कि वो रीडिंग्स आपकी मान लिया कि क्वाड्रेंट सर्कल में है, क्वाड्रेंट बेयरिंग में है, तो उनको कन्वर्ट कर लो। मान लिया 30 डिग्री नॉर्थ साउथ है या ईस्ट करके कुछ भी दिया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी जा करके प्रॉब्लम को लगा पाओगे। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टू डिटरमिन लोकल अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लोकल अट्रैक्शन, इट इज़
इट इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है टू टेक फोर बियरिंग to take four bearing and back bearing of each traverse line प्रत्येक ट्रावर्स लाइन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हर एक ट्रावर्स मतलब कि आपको इस स्टेशन की फोर बियरिंग भी पता हो, बैक बियरिंग भी, इस स्टेशन की फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, इस स्टेशन की हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हर एक लाइन का आपका फोर बियरिंग भी पता होना चाहिए और बैक बियरिंग पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, इफ़ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है डज नॉट इक्वल टू, इफ़ फोर बियरिंग या जो भी लिख सकते हो, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग या बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इफ़ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग डज नॉट इक्वल टू 180, अगर इसके बराबर नहीं आता है, देन द लोकल अट्रैक्शन इज एक्सपेक्टेड, देन द लोकल अट्रैक्शन, देन द लोकल अट्रैक्शन, देन द लोकल अट्रैक्शन इज एक्सपेक्टेड, is expected at पहला है, that is expected at A point निकल के आता है, either of the station, either किसी भी एक स्टेशन पे हो सकता है, either of the station और बी ये हो सकता है कि दोनों स्टेशन आपके, बोथ ऑफ द स्टेशन वर इफेक्टेड, बोथ ऑफ द स्टेशन, बोथ ऑफ द स्टेशंस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज दैट कोई रीडिंग आपने लिया और फोर बियरिंग, मान लिया कि आपके पास, एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है और डी है। यहाँ पे आपकी जो दिस इज स्टेशन, समझने के लिए बस कर रहे हैं, सपोज दैट ये फोर बियरिंग है और ये आपकी बैक बियरिंग है, ठीक। सपोज दैट मान लिया ये आपकी 240 दे रखी है फोर बियरिंग, और जो बैक बियरिंग है सपोज दैट आपकी 60 डिग्री है, ऐसा भी हो सकता है, या इसको फोर बियरिंग को 60 डिग्री कर लो और जो बैक बियरिंग है उसको 180 डिग्री कर लो, ठीक। अगली रीडिंग पे आते हैं, हो सकता है जो बी स्टेशन है उसकी रीडिंग्स आपकी, मान लिया इसकी रीडिंग्स हो सकता है कि आपका, मान लिया 190 मान ले या 80 मान लेते हैं, इसका रीडिंग 80 है, ठीक, 80 है, और इसका हो सकता है बैक बियरिंग आपका 262 हो, ठीक है, 262 हो, तो आप देख सकते हो। ऐसे अगली की रीडिंग मैं लिख देता हूँ, फोर बियरिंग हो सकता है आपकी, मान लेते हैं कि दैट इज़, मान लेते हैं सपोज दैट, मान लो 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, और अगले की जो रीडिंग है ना वो हो सकता है कि आपकी 250 हो। तो ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आपका 40 डिग्री हो और यहाँ पे आपका जो है 220 डिग्री हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस आपको निकालना चाहिए, इसका डिफरेंस जब आप निकालोगे, ये सॉरी 180 ना लिख के इसको चेंज करो, 60 है ना, 240 कर देते हैं, तो मैं गलती से लिख गया था, तो 60 को 240 कर लेना वहाँ पे, तो 240 में से 60 गया था तो कितना आएगा, 180 आएगा, सही है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 80 है, 262 है, और ये 80 कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा 182, यहाँ पे देखोगे भी तो 180 है, यहाँ पे भी देखोगे तो 180। तो ये तो स्टेशन आपके मुक्त हो जाएंगे, ये वाले आपके लोकल अट्रैक्शन से क्या हो जाएंगे, इन पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, चलो क्लियर। लेकिन जो आपका स्टेशन बी है इस पर लोकल अट्रैक्शन रहेगा, मतलब ये वाला जो स्टेशन है दिस इज़ लोकल अट्रैक्शन, इस पर लोकल अट्रैक्शन है, क्योंकि दो फोर बियरिंग और जो बैक बियरिंग का डिफरेंस है वो 180 के बराबर नहीं। चलो तो ये 2 डिग्री का आपका इसमें एरर या जो भी है निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बी स्टेशन पर आपने क्या किया, जो बी स्टेशन की जो आपकी बी स्टेशन पर आपने देखा, बी से आप किधर जा रहे हो, सी की तरफ जाना पड़ेगा, तो बी स्टेशन पे आपको ध्यान रखना है, बी से आपने तो एक तो जो बी से आपने मेजर किया होगा, एक तो बी लाइन से ए की तरफ आपकी बैक बियरिंग भी होगी और बी से किसी की तरफ जो होगी फोर बियरिंग भी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेशन पे आपका लोकल अट्रैक्शन है।
तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आइदर आप द स्टेशन, या तो एक ही स्टेशन पे, जैसे मान लिया हो सकता है बी ही इफेक्टेड हो, और हो सकता है दोनों हो, बी और सी दोनों हो सकते थे, तो सी भी, तो वही कह रहा है बोथ ऑफ देम स्टेशन हो सकता है, और एक सिंगल स्टेशन भी आपका लोकल अट्रैक्शन से हो सकता है आपका इफेक्टेड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, इफ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस सी है, दैट इज थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इफ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस, इफ फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इजकल टू 180, अगर 180 डिग्री निकल के आता है, देन बोथ द स्टेशंस वर, देन बोथ द स्टेशंस वर, बोथ द स्टेशंस वर फ्री फ्रॉम, बोथ द स्टेशंस आर, बोथ द स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो दोनों स्टेशन अगर मान लें लोकल अट्रैक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोनों स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से मुक्त रहेंगे, अगर आपका 180 डिग्री निकल के आता है। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, वो थ्योरेटिकल भी बना देगा, न्यूमेरिकल भी बना देगा, न्यूमेरिकल बना सकता है तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में देगा, और जो ये पॉइंट मैंने लिखा दिए ये सब एग्ज़ाम में आपको थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है, करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन। भाई अगर आपके पास ये एरर्स आ रही हैं जब सर्वे आप कर रहे हो फील्ड के ऊपर, तो आपकी ये लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर आएंगे, तो क्या आप कोई काम करोगे फील्ड पे तो क्या वो गलत रीडिंग को आप मेंशन कर दोगे नोट्स के ऊपर? नहीं, उसके लिए आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। करेक्शन लगाने के बाद आप करेक्ट करके अपनी रीडिंग को अपने प्लान या मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, इसे कहते हैं आपका करेक्शन फॉर सर्वे, तो करेक्शन करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, हाउ टू कैलकुलेट द लोकल अट्रैक्शन, वो भी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए करेक्शन की डिफिनेशन हमको पता है, तो हम सारे बातें यहाँ पे कर लेंगे। इसके दो मेथड होते हैं लोकल अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने का, एक सिंपल बेयरिंग से होता है और एक आपका होता है इंक्लूडेड एंगल के मेथड से भी होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी पढ़ते जाओ। अब जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन करने, हालांकि मैं क्लास में खुद ही करा देता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस। देखो आपको जो लीनियर मेजरमेंट था वहां पे भी मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए थे, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डील कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना, सारी चीज़ें देखते हैं करके, बहुत सारी चीज़ें और निकल के आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना, दैट इज़ करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, तो दैट इज़ करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन।
इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो मेथड वन, दो मेथड निकल के आते हैं एग्ज़ाम में। देखो डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपका पहले मेथड से भी क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है कि कई बार प्रॉब्लम ऐसी भी देते हैं कि जिसमें कि आपका इंक्लूडेड एंगल में ही इधर है, या आपने जो भी रीडिंग्स कंसिडर की हैं उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ध्यान ये रखना है कि दोनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो मेथड आपको सही लगे उससे सॉल्व करिएगा, लेकिन कई बार ये ध्यान रखने वाली बात है कल को आपकी जो एरर्स है, हो सकता है कि जो इंक्लूडेड एंगल ही निकालना है उसमें ही आपकी गलती हो, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। या हो सकता है कि जो भी आपने रीडिंग ली है, ट्रू, जो भी आपने फोर बेयरिंग ली है या जो भी मैग्नेटिक बेयरिंग ली है, वो ड्यू टू इक्विपमेंट्स गलती हो सकती है, हो सकता है कि आपका कंपास ही ख़राब हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से आपकी जो रीडिंग में गलतियाँ हैं वो आपको रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो इंक्लूडेड एंगल मेथड होता है। लेकिन पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे से भी आते हैं, तो वो फील्ड में कोई भी काम कर सकता है। चलो दैट इज़ मेथड वन। तो आपको जानकारी मैं दोनों मेथड की दे दूंगा, जो आपको सही लगे। ध्यान दीजिएगा, हर साल एसएससी जेई मेंस में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अल्टरनेट क्या होता रहता है कि एक एक साल पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस साल नहीं पूछा तो अगले साल इस तरीके से इसके लोकल अटक, इसी साल 2020 का पेपर हुआ था 19 का, वहाँ पे आपसे पूछी गई थी ये चीज़, तो 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल आ जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हमको लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ मैथड वन। मैथड वन में लिखो, बाई कैलकुलेटिंग लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, बाई कैलकुलेटिंग लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, ठीक है, एट ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन पे आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ बातें लिखते हैं। तो ये है आपका बाई लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज सिंपली बेसिक चीज़ पे जाते हैं। पहला पॉइंट है, इन दिस मेथड लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन इज फाउंड आउट And then, required correction is applied to the Observed bearing, जो भी आपने ऑब्जर्व किया रीडिंग को, ठीक, उसमें अप्लाइड करेक्शन लगा के इसको ट्रू में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बियरिंग्स, क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, सॉल्व टू सॉल्व एग्जाम्पल या क्वेश्चन बोल देते हैं। टू करेक्ट द रीडिंग्स, ये है आपकी प्रॉब्लम, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन लिख लो इस साइड में, लाइन, फिर आपके पास में फोर बेयरिंग दे रखी है, फिर आपके पास में बैक बेयरिंग दे रखी है, ठीक है। अच्छा, तो लाइन एक ए बी लाइन का आपके पास में 140 डिग्री जो है ना वो फोर बेयरिंग है, और जो आपका बैक बेयरिंग है वो 318 डिग्री है, ठीक। फिर आपसे कहा है कि जो बी सी वो आपका 60 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना है 240 डिग्री, ठीक। और सी डी जो है वो आपका है 125 डिग्री,
और दिस इज 302 डिग्री, 302 डिग्री, और जो लाइन DE है वो है आपके 150 डिग्री, ठीक है। और बाकी आपको बताया नहीं कि इसका क्या निकल के आएगा, निकाल सकते हो, फोर बेरिंग है, 180 ऐड कर दोगे तो उसकी बैक बेरिंग भी निकल के आ जाएगी, तो उसकी बड़ा इशू नहीं है, वो हम निकाल लेंगे, करेक्ट करने के बाद भी निकाल लेंगे, ठीक है, ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखना है कि कौन सा स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है, किस पे नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है चेक, यहाँ पे मैं साइड में ही लिख देता हूँ चेक, तो दैट इज़ चेक करते हैं, दिस इज़ चेक लगाते हैं, ठीक है। चेक देखो इसमें करना पड़ेगा, क्या इनका दोनों का डिफरेंस आ रहा है, फोर बियरिंग या बैक बियरिंग, या बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग, कुछ भी कर लो, मॉड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मॉड लगा के कर रहा हूँ, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करेंगे, दैट इज़ 140 माइनस वैसे 318, बस समझने के लिए मॉड लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं, निगेटिव नहीं समझना चाहते बस। तो ये जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 180 या 320 हो जाएगा, ये 178 के आसपास आएगा, दिस इज़ 178। और यहाँ पे जो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज़ 240 लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग कर लो, या फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग कर लो, कोई फार्मूला दोनों लगा सकते हो। 240 माइनस 60 करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 180। तो इसका मतलब ये आपका लोकल अट्रैक्शन, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है, लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके एग्जाम में पेपर उठा के देखना, ऑब्जेक्टिव वाला, SSC JEE में ये प्रॉब्लम पूछ रखी है, क्या पूछा है, ऐसे रीडिंग बना के दे देता है, कहता है बताओ कौन सा स्टेशन इसमें लोकल अट्रैक्शन से ग्रसित है, ठीक है, जिसमें है, तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है, तो इसमें दिस इज़ नो लोकल अट्रैक्शन, नो लोकल अट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हो बी एंड सी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। चल नेक्स्ट आ जाओ, इसको जब इससे सेपरेट करोगे तब भी आपका जो है 302 माइनस 125 करोगे तब भी नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो 302 है और 100 ये निकल के आएगा, 12 में से 5 गया तो ये आएगा 7 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बचता है 9 में से 2 गया तो 7, और उसके बाद में बचेगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो 177 आएगा, तो दिस इज़ आल्सो डज नॉट इक्वल टू 180, तो इसमें भी क्या रहेगा, लोकल अट्रैक्शन रहेगा, ठीक। और उसके बाद में अगली रीडिंग तो पता नहीं है, अगर पता होती तो हम तुरंत बता देते, वो भी पता है कि गलत ही आएगी, क्योंकि सारे स्टेशंस क्या हैं, लोकल अट्रैक्शन से, सिर्फ बी और सी जो है मुक्त है, क्यों, क्योंकि जो बी का डिफरेंस है, क्योंकि बी स्टेशन से आपने फोर बेयरिंग ली होगी तो वो तो करेक्ट आई है 60, और सी स्टेशन से जो भी आपने बैक बेयरिंग लिया होगा बी की तरफ तो वो भी आपकी 240 आ गई, इसका मतलब दोनों स्टेशन मुक्त हैं, तभी तो जाके ये करेक्ट रीडिंग होगी, तभी तो दोनों का डिफरेंस 180 आया, इसीलिए बी और सी को हम लोग मुक्त बोल पा रहे हैं, क्लियर। अगर इसमें मान ले गलती होती तो ये भी रीडिंग्स आपकी गलत आती, जब ये गलत आती तो दोनों का डिफरेंस आपका 180 नहीं होता, क्लियर है ना। तो बैक बेयरिंग हम लोग उसी स्टेशन से बताते हैं जिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं, जैसे सी से बी की तरफ आपको बताना होगा तो वो बैक बेयरिंग कहलाएगी, और बी से जो सी की तरफ जाओगे तो उसे फोर बेयरिंग बोलेंगे, तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो ये तो ऑब्जेक्टिव सिंपल निकल जाएगा, बट इसको कैसे करेक्ट करना है वो बातें हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतना ही नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। च-
चलो मैं इसको रफ करता हूँ, कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको लिखवा देता तो सही रहता, चलो बाद में लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस मेथड के बारे में जो भी जानकारी बच के आएगी, कैसे स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, सारी बातें लिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो कल को आपके पास जैसे मान लें भूल भी जाते हो तो आपके पास नोट्स रहेगा, तो आप आराम से वहाँ से सारी चीज़ों को कर सकते हो। ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है। चलो इन्हीं रीडिंग्स की हेल्प से हम लोग लेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा डायग्राम से, हमारा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब आप ये बताओ कि कौन से स्टेशन आपके मुक्त हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज स्टेशन मैं लिख देता हूँ, दैट इज देखो आपके पास जो स्टेशन बी और सी हैं ये आपके क्या हैं कि मुक्त हैं, किससे, लोकल अट्रैक्शन से। तो हियर हियर स्टेशन बी एंड सी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर ये फ्री हैं तो इनकी जो रीडिंग्स यहाँ से ली जाएंगी वो भी करेक्ट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी की जो स्टेशन बी है, या कह सकते हो जो लाइन बी सी होगी, लाइन बी सी की वो आपकी जो भी रीडिंग्स निकल के आएंगी उनकी जो बैक बेयरिंग होगी ये भी करेक्ट होगी और ये भी करेक्ट होगी। तो इनको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सारी जानकारी को हम एक बार में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर रीडिंग हमारी करेक्ट हो जाएंगी, कौन कौन सी, देखिए बी से आपने सी की तरफ गए तो 60 डिग्री भी आपका करेक्ट निकल के आ जाएगा, और ये 240 भी क्या निकल के आएगा, सही निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जब बी आपका स्टेशन मुक्त है किससे, लोकल अट्रैक्शन से, और सी भी मुक्त है, इसका मतलब समझो, जैसे ऐसे समझते हैं, सपोज दैट एक डायग्राम सिंपली बना ही लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसे करके बस समझ रहे हैं थोड़ा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ऐसे डी आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्टेशन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, अब देखो आपने क्या किया, जैसे फोर बेयरिंग तो 140 हमें बनाए नहीं, ऐसा एंगल तो यहाँ पे आना चाहिए, बस समझने के लिए बना रहा हूँ, बस यहाँ पे आपका एंगल आ गया मान लिया 140, ये मुक्त है और ये मुक्त है स्टेशन से, तो बी से जब सी की तरफ लिए होगे तो ये भी रीडिंग जो आपकी दी गई है 60 डिग्री ये भी करेक्ट आई होगी, तो ये भी 60 डिग्री एक्चुअली में एंगल है नहीं, बस सिंपली डायग्राम या करेक्ट ही डायग्राम बना देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का। देखो यहाँ पर मैं करेक्ट डायग्राम ही बना देता हूँ, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी एंगल है उस हिसाब से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, सपोज दैट ये आपका ये पॉइंट है ए, यहाँ से 140 आपका ये एंगल आ जाएगा, दैट इज़ ए, दिस इज 140 डिग्री, फिर उसके बाद में बी पे आपके आ गए, बी के आने के बाद में आपको बी की फोर बेयरिंग है 60 डिग्री, तो आप इस साइड में जाओगे, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, फिर आप सी पे पहुंच गए, ठीक है, इसकी बैक बेयरिंग भी दे रखी है तो जो भी बैक बेयरिंग है तो आप इसकी लिख सकते हो, दैट इज़ 318 डिग्री, जो भी है 318 डिग्री, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, सी के बाद में बी से सी 60 डिग्री हो गया, उसको 240 है तो दैट इज़ 60 डिग्री आ गया, और बी से सी पे पहुंच गए हम लोग, बी से सी पे पहुंच गए, और दिस इज़ बी की हो गई लाइंस, उसके बाद में आपको दो है बी से सी की तरफ 60 डिग्री आपको दे रखा है, ये भी करेक्ट है, 240 डिग्री उसकी क्या है, ये है, तो दिस इज़ 240 डिग्री आपको अगर लिखना हो तो दिस इज़ 240 डिग्री, 240 डिग्री, फिर सी से डी की तरफ अगर बढ़ोगे तो 125 डिग्री है, तो सी से ये 125 डिग्री कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, तो ये फोर बेयरिंग जो निकाल के लाओगे, दिस इज़ फोर बेयरिंग, दिस इज़ 125 डिग्री, ऐसे बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और डी से ई डी से सी इसकी बैक बेयरिंग भी लिखी जा सकती है, दैट इज़ 240 है, इतना 302 है सॉरी, तो ये आपका जो है डी स्टेशन है, डी से आपकी ये जो है रीडिंग्स है, दिस इज़ 302 है, 302 है, और उसके बाद में आपको बोला गया है कि 150 है, तो डी से ई की तरफ 150 लिखना है, तो दिस इज़ डी से 150, तो ये एक तरीके के ओपन टावर्स है, मतलब ये 150 है, यहाँ ई पे पहुँच गए, ठीक है, बाकी इससे आप बैक बेयरिंग भी निकाल लोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपका कंपास, मतलब ये जो मेथड हमारा सूटेबल होगा है ज़्यादातर ओपन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो चलो आ जाते हैं, ये एक आपका डायग्राम बना जैसे बनना चाहिए फील्ड के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ये बताओ कि जो स्टेशन आपका मुक्त है, दिस इज़ बी और सी, दिस इज़ नॉट लोकल, यहाँ पे भी नहीं लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ से जो भी आपने फॉरवर्ड बेयरिंग ली होगी वो भी करेक्ट होगी,
भाई जब स्टेशन को बी और सी मुक्त है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने जिस पॉइंट से आगे की फॉरवर्ड बेयरिंग डी की तरफ ली होगी तो वो करेक्ट होगी। तो इसका मतलब 125 डिग्री वाली जो रीडिंग है वो करेक्ट है। तो दिस इज करेक्ट करेक्ट फोर बेयरिंग, करेक्ट फोर बेयरिंग। अच्छा 240 जब ये मुक्त है स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से, तो ये जो बैक बेयरिंग लाइन की निकल के आई होगी कौन सी, बी सी लाइन की। तो दिस इज बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, ठीक। तो ये भी करेक्ट हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट आपकी है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये मुक्त है लोकल अट्रैक्शन से। फिर बी पे आओ, बी पे आपका जो फॉरवर्ड बेयरिंग लिया होगा लाइन बी सी के लिए, ये भी करेक्ट होगी। तो दैट इज फोर बेयरिंग ऑफ लाइन लाइन बी सी, ये भी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। चार रीडिंग हमारी करेक्ट। अब फिर बी से जब ए की तरफ, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन से ये भी मुक्त है, तो बी से जो ए की तरफ आपने रीडिंग लिया होगा तो ये भी लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है। इसका मतलब है बी से ए की तरफ जो 318 डिग्री लिया है, तो दिस इज बैक बेयरिंग ऑफ, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये भी क्या होगी, करेक्ट होगी। मतलब मेरे पास चार रीडिंग जो है करेक्ट है, तो मेरी फोर रीडिंग्स आर हियर करेक्ट, फोर रीडिंग्स आर हियर करेक्ट। चार रीडिंग यहाँ पे करेक्ट हैं। अब सारी रीडिंग लिखने की ज़रूरत है नहीं मेरे को, चाहो तो लिख सकते हैं। बैक बेयरिंग ऑफ, दैट इज़ बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, दैट इज़ 318 डिग्री। उसके बाद में फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन, समझने के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी सी दैट इज़ 60 डिग्री। उसके बाद में दैट इज़ बैक बेयरिंग ऑफ, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन, लाइन कौन सी हो जाएगी, दैट इज़ बी सी, दैट इज़ 240 डिग्री। उसके बाद में दैट इज़ सी से डी की तरफ, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, लाइन सी डी, दैट इज़ जो भी आया हो 125 डिग्री। ये हमारे पास करेक्ट रीडिंग्स हैं, और बाकी सबको आपको करेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, आपको स्टार्ट करना है, सपोज दैट आपको स्टार्ट करते हैं बी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पे आपको करेक्ट रीडिंग मिल जाए, ठीक है। तो बी पे हमें करेक्ट मिल गई, और बी की हमें पता है कि जो रीडिंग्स हैं वो आपकी करेक्ट है। तो हमको आप पहले एक काम करते हैं, फॉरवर्ड जाएंगे, तो बी की जो बैक बेयरिंग है और फोर बेयरिंग दोनों क्या हैं, करेक्ट है। तो उसकी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपके पास जो भी एंगल्स कितना कितना दे रखा है, अच्छा करेक्ट बेयरिंग आप ए बी से बढ़ते, चलो ए बी से कर लेते हैं, ए बी से कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी मर्जी करें। आप बी से आगे की तरफ भी जा सकते थे और पीछे की तरफ भी जा सकते थे। तरीका ये है कि आपके पास जो सी है ना फोर बेयरिंग, तो आपकी करेक्ट ही है, इसमें 180 ऐड कर दो तो बैक बेयरिंग लाइन आप सी डी भी पता चल जाएगा। तो वही करते हैं चलो। तो क्योंकि हमें पता है कि जो करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, करेक्ट बैक बेयरिंग, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, ए बी बराबर 318 डिग्री है। कितना है, 318 डिग्री। अगर ये 318 डिग्री है बैक बेयरिंग, तो मैंने क्या पढ़ रखा था, अगर मेरे को बैक बेयरिंग दी हो और फोर बेयरिंग लाना हो तो क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा क्या, फार्मूला लगाओ। क्या होता था फार्मूला, हमने पढ़ा था क्या, दिस इज़ द बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस 180, यही पढ़ते थे आप। अब आपके पास ये बताओ कि जो बैक बेयरिंग है वो कितनी है करेक्ट, करेक्ट कितनी है, क्योंकि जब करेक्ट बैक बेयरिंग यूज करोगे तो करेक्ट फोर बेयरिंग भी निकल के आएगी। तो इस वजह से बैक बेयरिंग आपके पास है 318 डिग्री, तो 318 डिग्री लिखो। फोर बेयरिंग आपके पास निकालनी है तो करेक्ट निकालनी, ध्यान रखिएगा करेक्ट निकालना है। तो ये आपका डिफरेंस सॉल्व करोगे तो 180 20 इधर से आ जाएगा और 138 आएगा। तो फोर बेयरिंग जो है आपकी निकल के आ गई, दिस इज फोर बेयरिंग 138 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक। चलो ये आपकी फोर बेयरिंग, ये ध्यान रखिएगा ये करेक्ट है, कैसी है, करेक्ट है, ये करेक्ट निकाल के ना, क्योंकि आपने करेक्ट रीडिंग यूज की है तो ये करेक्ट निकल के आ गए। लेकिन आपके पास जो ये आपकी ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ फोर बेयरिंग, बट आपके पास ये जो ना आप सर्वे करते समय ये ऑब्जर्व किए हो, क्या किए हो, जब सर्वे हम कर रहे थे तो ऑब्जर्व कितनी है, 140 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग की वैल्यू कितनी है, 138 डिग्री है, ओके। और जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू बोल लो, और इसको ऑब्जर्व वैल्यू भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, ये आपकी निकल के 140 डिग्री।
तो आपने जो करेक्शन का फार्मूला पढ़ते थे वो क्या होता था? देखिए मैं समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं कि इतने सारे स्टेप करके दिखाओ, कोई मतलब नहीं, बस मैं समझाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्शन होता है, दैट इज़ करेक्शन होता है ट्रू माइनस मेजर्ड। आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए, ट्रू माइनस मेजर्ड जो होता है वो आपको करेक्शन होता है, मेजर्ड माइनस ट्रू होता है एरर होता है। तो ट्रू बेयरिंग माइनस मेजर्ड बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग आपके पास 138 है, माइनस 140 करोगे तो ये माइनस का 2 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, दिस इज, तो स्टेशन आपका जो भी यहाँ पे निकल के आएगा स्टेशन ए पे, तो जो स्टेशन ए है ना हमारा यहाँ पे, दिस इज द स्टेशन ए, इस स्टेशन के लिए आपको जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो माइनस 2 डिग्री का लगाना पड़ेगा एट, ये माइनस 2 डिग्री ध्यान रखने का कि जो माइनस 2 डिग्री आया यहाँ से जो भी रीडिंग लोगे, चाहे ए से जब आप बी की तरफ जाओगे तब भी आपको माइनस 2 डिग्री लगाना है, और जो ए के पीछे की जो रीडिंग होगी जो कि ई पे मिलेगी कभी जा करके, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, उसके लिए भी जो ए से ई की तरफ जो भी रीडिंग आएगी उसमें भी माइनस 2 डिग्री लगाना पड़ेगा। मतलब ये कि चाहे फोर बेयरिंग हो, ए से आपने जो भी फोर बेयरिंग ली है और जो बैक बेयरिंग ली है, दोनों के लिए करेक्शन क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे, और करेक्शन अगर इतना आया है तो एरर कितना आ जाएगा, दोनों पूछ सकता है, एरर इज पॉजिटिव 2 डिग्री, क्योंकि करेक्शन और जो एरर होते हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन, इसी के बाद में ही कंटिन्यूएशन है, लोकल अट्रैक्शन एट अ स्टेशन इज सेम या ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कांस्टेंट, सेम या कांस्टेंट, एंड इट इफेक्ट्स ऑल मेजरमेंट बाई सेम। मतलब सेम आपको जो भी करेक्शन लगाना होगा तो इस स्टेशन पे आपको सेम करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में जो करेक्शन लगेगा वो सेम लगेगा, यहाँ से जो भी आपने फोर बेयरिंग ली है या जो भी इससे बैक बेयरिंग लोगे दोनों में करेक्शन सेम लगता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सी डी लाइन को देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर मैं सी डी को देखता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लें, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं है तो स्पेस यहीं पे कर सकता हूँ। चलो सी डी को भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके पास सी डी पे आ जाओ, ये बताओ ये जो लाइन है ना आपके पास 240 डिग्री वाली, ठीक है, ये तो करेक्ट है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो लाइन सी डी है ना, सी पे आ जाओ, सी से डी की तरफ, इसकी जो फोर बेयरिंग है वो तो करेक्ट है। तो लाइन सी डी फोर बेयरिंग ऑफ लाइन या करेक्ट फोर बेयरिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी कितना है, दैट इज़ 125 डिग्री। अच्छा, आपके पास अगर मान लिया फोर बेयरिंग पता होता है तो आपको बैक बेयरिंग निकालना आता है, यस, तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी ये करेक्ट निकल के आएगी, क्योंकि आप करेक्ट रीडिंग का यूज़ कर रहे हो। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस फार्मूला क्या बनेगा, फोर बेयरिंग, तो दैट इज़ 180 डिग्री प्लस 125, तो ये बन जाएगा 305 डिग्री, क्लियर है। तो ये आपकी जो बैक बेयरिंग है ये करेक्ट निकल के आई, ये आपकी बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रू बेयरिंग हो गई, क्या हो गई, ट्रू बेयरिंग, तो ये ट्रू बेयरिंग मिल गई। अच्छा, अब आपको करेक्शन बताना है तो नहीं बता पाओगे इस पॉइंट पर, करेक्शन ट्रू बेयरिंग, पहले मेजर्ड लिख देता हूँ, मेजर्ड भी लिख देता हूँ यहीं पर, मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू आपके पास है एग्जाम में, देख सकते हो, मेजर्ड वैल्यू ये कितनी दे रखी है, मेजर्ड बेयरिंग की बात कर लो, वैल्यू की बात कर लो, मेजर्ड बेयरिंग कितना दे रखा है पढ़ लो अच्छे से, कितना दिया हुआ, 302 दिया हुआ है, तो ये 302 डिग्री है आपका, ठीक है, मेजर्ड बैक बेयरिंग आपको दे रखा है। तो करेक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, करेक्शन ट्रू बेयरिंग माइनस मेजर्ड बेयरिंग 305 माइनस 302, तो आपको पॉजिटिव का करेक्शन आएगा 3 डिग्री का,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हो, लग जाएगा ना। चलो तो इस तरीके से आपका चीज़ें निकल के आ जाती हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास में प्लस का 3 डिग्री आ गया। अच्छा, तो ये करेक्शन आप अगले स्टेशन पे नहीं लगा सकते, मतलब आपका जो स्टेशन ये है ना, यहाँ से आपने कितना मेज़र किया, 150, तो यहाँ की जो रीडिंग आपने मेज़र की होगी ये करेक्ट नहीं रही होगी। अब आपको करेक्शन लगाना है, तो आपको जो भी रीडिंग्स में करेक्शन लगाना है, मतलब आपको जो भी रीडिंग्स मिल गई डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट से आपके पास बैक बेयरिंग तो पता ही चल गई, तो जो भी करेक्शन लगाना प्लस 3 डिग्री का, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास रीडिंग है फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी ई, ये इसको लिख देना करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट को लिखो, करेक्ट करना है। तो क्या करोगे, 150 डिग्री और प्लस 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा 153 डिग्री। अब जाके आपकी रीडिंग सही आएगी, तो 153 डिग्री चीज़ें आपकी निकल के आ गई। तो इस तरीके से करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डिग्री निकल के आ गई, तो करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी इज़ 153 डिग्री। तो इस तरीके से सारे करेक्शंस आप लगा सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको जो भी प्रॉब्लम किया इसको एक स्टेप के माध्यम से लिखवा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम करना बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ पे जो रीडिंग आपको करेक्ट मिले ना उसे से आगे पीछे बढ़ना है। जो भी आपका स्टेशन जो है ना, जो भी मुक्त था वहाँ से स्टार्ट किया, एक बार इसके आगे की तरफ चले गए, एक बार इधर चले गए, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम लोग सारी चीज़ें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम दोनों चीज़ों की तरह मूव कर सकते हैं, जो मर्जी करे लगा सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, आपको इस पे बड़े अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मेंस में भी हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4 रीडिंग दे देगा, कहेगा करेक्ट करके बताओ, तो करेक्ट करके नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग्स जिसमें 4 या 5 होती है वो क्वेश्चन करने लायक होता है, मान लीजिए 8-9 रीडिंग दे दिया है तब वो क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है, उसमें टाइम लगता है। इतना जल्दी हम सॉइल का क्वेश्चन या सोम का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चल अब मैं जो भी बताया हूँ इनके सबके स्टेप लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि आप जो है कल को जब अपने नोट्स को ओपन करो तो आपको वहाँ पे इनकी जानकारी आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सारी चीज़ों को। देखो, आपको पिछले लेक्चर में मैंने इंक्लूडेड एंगल के बारे में सारी जानकारी दी थी, हाउ टू कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल, सारी बातें बता दी थी, ठीक है। बस ध्यान रखना क्लॉक वाइज लेना है। इसी मेथड में मतलब आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं लिख देता हूँ, आगे बढ़े फिर, है ना। चलो, जो बातें बोली है उनको लिखवा भी देता हूँ, स्टेप्स, चलो स्टेप्स लिखवा देता हूँ, चलो दैट इज स्टेप्स, स्टेप्स
देखिए सबसे पहले स्टेप्स में जानकारी आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बारे में होनी चाहिए। ऑब्जर्वर लाइन पहला स्टेप है, आपको ऑब्जर्व करना है किस लाइन में और लोकल अट्रैक्शन है। ऑब्जर्व अ लाइन हुज फोर बेयरिंग हुज फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग differs exactly by 180 degree कि कौन से स्टेशन हैं जिनका डिफरेंस एग्जैक्टली डिफर कर रहा है 180 से। हो सकता है 100 जैसे आपने डिफरेंस निकाला 182 आ जाए, किसी में 178 आ जाए, तो उन स्टेशन को सबसे पहले पहचानना होगा। ये एक स्टेप है, स्टेप नंबर टू, ठीक है, या इसको इस सिंबल में लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टेप नंबर टू, ठीक है। चलो एंड स्टेशन ऑफ सच लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ऑल द बियरिंग्स taken from these stations, ठीक है। तो end stations of such lines are free from, तो इनके जो end stations होंगे, ठीक है, जो भी stations हैं ये पहचान लिया कि कौन सा नहीं है, जो स्टेशन पे आपका नहीं था लोकल अट्रैक्शन उन स्टेशन को पहचाना, और एंड स्टेशन ऑफ सच लाइन्स आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ऑल अदर द बियरिंग्स टेकन फ्रॉम दीज स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ करेक्शन थर्ड पॉइंट है, With the help of correction, अभी करेक्शन लगाया था ना आपको दिखाया था, With the help of correction, at each station, and observed bearings, we can determine the correct bearing, ठीक है। चल तो करेक्ट बेयरिंग वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, फार्मूला लगा देना, करेक्शन इज इक्वल टू True bearing minus measured bearing, जो भी आपने मेजर किया है, ठीक है। शॉर्ट में एग्जाम में लिखिएगा तो इस तरीके से लिख सकते हो, ट्रू बियरिंग माइनस मेजर्ड बियरिंग, मैग्नेटिक मत समझ लीजिएगा, वो मेजर्ड ही समझिएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ करेक्शन, थर्ड पॉइंट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट, करेक्शन फॉर ऑल द बियरिंग्स एट वन स्टेशन इज कॉन्स्टेंट, कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट, एट वन स्टेशन इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कुछ और पॉइंट्स हैं जो नोट करके लिख लेना है आपको, ठीक है, नोट पॉइंट करके,
इट इज सुटेबल फॉर, इट इज सुटेबल फॉर, सुटेबल फॉर ओपन ट्रावर्स। ये जो मेथड हम लगा रहे हैं ओपन ट्रावर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है। किसके लिए? ओपन ट्रावर्स मतलब आपका ट्रावर्स ऐसा होना चाहिए कि जैसे सपोज दैट आपने यहाँ से स्टार्ट किया है ऐसे करके ऐसे करके, तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन ट्रावर्स। इसके लिए आपका ये क्या हो जाता है? सुटेबल हो जाता है। ठीक है, तो ओपन ट्रावर्स के लिए आपका क्या होना चाहिए? सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इट फेल्स इन, दूसरा है इट फेल्स इन केस ऑफ, इट फेल्स इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, ये मेथड आपका सही नहीं रहता है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ क्लोज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स व्हेन 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 देर आर इंस्ट्रूमेंटल एरर, देर आर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर रहती है वहाँ पे प्रेजेंट इन द बेयरिंग, प्रेजेंट इन द बेयरिंग, प्रेजेंट इन द बेयरिंग। तो अगर मान लिया आपके पास जो बेयरिंग्स हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर है, तब आपका ये मेथड सुटेबल नहीं होगा जो हम लोग अभी लगा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको दूसरा मेथड लेना पड़ेगा, इंक्लूडेड मेथड। चलो आगे बात करते हैं, दैट इज इन कन्वेंशनल पेपर, थर्ड पॉइंट है इन कन्वेंशनल, इन कन्वेंशनल पेपर, इन कन्वेंशनल पेपर वी इन क्लोज ट्रावर्स, वी इन क्लोज, कन्वेंशनल पेपर में ज़्यादातर क्लोज ट्रावर्स भी पूछता है, क्लोज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स वी डायरेक्टली गो बाई, वी डायरेक्टली गो बाई, गो बाई, गो बाई मैथड टू, मैथड टू उसका नाम है मैथड टू। ठीक है, वी गो बाई डायरेक्टली बाई अदर मैथड, इंक्लूडेड एंगल मैथड, उसका मैथड का नाम मैथड टू, इंक्लूडेड एंगल मैथड। इसको हम लोग अगली अगले लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल मैथड के बारे में, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेथड टू इंक्लूडेड एंगल मेथड, और हम लोग बात करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास और जो सर्वेयर कंपास होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।